का बहुत बुरा हुआ था कि ये आप रो रहे हो। एक बार कैमरे के सामने आ सकते हो आप? मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, वो कोई रो रहा है और मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने आ सकते हो। हाय, मेरा नाम है ओम और पहले मैं लोकेशन दिखाता हूँ। ये पीछे शमशान घाट। लास्ट वीडियो में मैं अंदर नहीं गया था, बट इस वाली वीडियो में मैं अंदर जाने वाला हूँ। कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर की भूख रहे हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। और ये जो पीछे दिख रहा है, ये वो हॉन्टेड रोड है। स्टोरी में एक बार स्टार्ट करता हूँ कि स्टोरी क्या थी, मतलब यहाँ पर क्या सीन होता है। तो जो सीन है यहाँ पर कि एक ना औरत है, वो इस गाँव की, गाँव का नाम मैं नहीं लूँगा, उस गाँव की औरत है, वो अधमरी थी। मतलब 60% या 70% वो मर गई थी और पूरी मरी नहीं थी। तो जो उसके घर वाले थे, दहेज के चक्कर में, जैसे होता ना कि दहेज मांगते हैं वो नहीं पूरी करते डिमांड, तो उस बहू को मारते हैं। तो वैसा सीन था, वो बहू थी उनकी, और दहेज की जब उन्होंने डिमांड की और उस लड़की ने पूरी नहीं कर पाई, तो क्या किया उन लोगों ने, उसको मारा। तो बहुत सताते थे, फिर उन्होंने मारा, और वो लड़की जो है 60% या 70% जब मर गई थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब उनको लगा, घर वालों को, उनके मतलब सास ससुर को, ननद को, सबको ये लगा कि अब तो ये मर चुकी है। कुछ था चलने की आवाज़। तो उनको लगा कि अब तो ये मर चुकी है, अब इसको क्या करते हैं, हम जल्दी से फटाफट इसको जला देते हैं और केस सारा हम ख़त्म करते हैं। तो वो लेके आए, उन्होंने फटाफट इस शमशान घाट में लेके आया, फटाफट उस लड़की को जला दिया। मतलब लड़की जिंदा थी, जिंदे जिंदे में उसको जला दिया। उसके बाद उस लड़की की जो आत्मा है ना, उसकी जो रूह है ना, वो इस रोड पे भटकती है, इस शमशान घाट है, मतलब हर तरफ यहाँ पे अपने होने का एहसास कराती है। लास्ट वीडियो में मैं अंदर नहीं गया था, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैंने जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं अंदर तक जाऊँगा। तो इस वाले पार्ट में मैं अंदर तक जाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वाली वीडियो में क्या हमसे वो संपर्क करती हैं, कुछ हमसे बात करने की कोशिश करती हैं, और शमशान घाट में जाके देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है या फिर भूतों से डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही थी। अगर रात को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखना। अगर आपको किसी भी छोटी चीज़ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक की थी, आगे मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत कुछ ऐसा दिखने वाला है, क्योंकि मैं अंदर जाके देख के आ चुका हूँ। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो मैं अब अंदर जाऊँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं या फिर आप कोई लेडीज़ हैं या फिर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो यहीं तक रखना, मत डरो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देख के डरो। तो ये वीडियो आप लोग के लिए यहीं तक की थी, ठीक है। आपको ये लोग कोई और वीडियो देखना, अगर आप लोग को डर नहीं लगता तो आप लोग ये वीडियो पूरी देख सकते हो। तो चलो चलते हैं शमशान घाट के अंदर, जो मैंने लास्ट बार प्रॉमिस किया था। तो मैं अब इसके अंदर घुस रहा हूँ एंड देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। एंड मैं इतनी रात को शमशान घाट में ना, सच बताऊँ, कभी नहीं गया। मैं हर तरफ देखते हुए चल रहा हूँ कि क्या सीन है इसके भाई। तो अगर इधर की तरफ देखो तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ना बैठने का है, मतलब जैसे किसी को जलाया जाता है तो वहाँ जलाया जाता है, और यहाँ पे उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा कुछ है, मैं हर तरफ देख रहा हूँ ताकि कोई दिख जाए या फिर कुछ हो तो मुझे वो दिख जाए। तो ये कुछ ऐसा है, तो मुझे लाइट जला देनी चाहिए। मैंने क्या लाइट जला ली है, मैं एक बार ना पूरा आपको शमशान घाट घूम के दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये जो है ये कोई भगवान, अपने भगवान जी, गणेश जी और शंकर भगवान जी, सबकी मूर्ति बना रखी है इन्होंने, ये सब कुछ है। और थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूँ मैं, तो ये पेड़ है, ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसी में लाशें जलाई जाती हैं। तो यार ये देखो मैं इतना करीब आ गया हूँ रात को इतने बजे, एंड ये किसी की राख है, जो भी ताजी किसी की लाश जलाई गई है। तो ये वो पूरी जगह जहाँ पे शमशान घाट के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, एंड किसी के ना कुछ मूवमेंट्स ही हैं यहाँ पे, कुछ तो कुछ अजीब सा है। तो ये देख लो यार, इससे पास जाना भी बेकार है, किसी की कि अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये शमशान घाट है पूरा, तो ये देख लो पूरा, ये वैसे पूरा देख लो भाई, शमशान घाट ही है। अब भी किसी को डाउट हो तो इतने बजे रात को यहाँ पे आके दिखा देना भाई, और मैं एक बार इस तरफ दिखा दूँ आपको पूरा। तो ये देखो,
एक लाइट है, और ये जो दिख रहा है आपको इस तरफ, ये बैठने का है जहाँ पे लोग बैठते हैं। पूरा देख लो, पूरा देख लो। ये देखो, ये है वो शमशान घाट। थोड़ा सा और पास चल लेता हूँ मैं। ये देखो, मे भी ये किसी की लाश, मतलब किसी को जलाया गया था, ताज था। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी वीडियो अगर बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें, क्योंकि वो किसी को हर्ट कर सकता है, डर लग सकता है। तो ये शमशान घाट है, एंड वहाँ पे मुझे लगा कि जैसे कोई बैठा हुआ है। एक मिनट, मैं थोड़ा चेक करके आता हूँ। पहले कोई हो तो मैं चेक करना ज़रूरी है कि क्या है ये। अच्छा, ये मुझे लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। नहीं नहीं, ये ना पेड़ है कुछ, ये कोई नहीं है। तो अगर वो पीछे 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 ये शमशान घाट दिख रहा होगा आप लोग को, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। शमशान घाट में इतनी रात को आके भी स्माइल कर रहा हूँ, जिगरा चाहिए भाई इसके लिए मेरे भाई। और जो कई लोग होते हैं ना बेहालतू के कमेंट करते हैं, प्लीज़ मुंह बंद करें ना आज के बाद। और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, देखते हैं और कि कुछ होता ही नहीं होता। बट एक ना छन, देखो छन 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 की आवाज़ सी है कुछ एक। बाकी देखते हैं कुछ बैठ के और क्या होता है। तो यार मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे, एंड सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे कि जैसे यहाँ पे कि कुछ हो, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। और कुछ भी एक नहीं आया, बट एक ना एक जानवर से भाग के गया था झाड़ियों की तरफ से, तब कैमरा ऑफ था, बस एक वही हुआ है। बाकी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अब चल रहे हैं उसी रोड पे जहाँ से वो औरत लोगों को भागते हुए दिखती है, और मैंने आप लोग को दिखा दिया शमशान घाट में आके। तो यार ये देखो शमशान घाट जहाँ मैंने इतना टाइम बिताया, एंड मैं इसके अंदर का भी दिखाता हूँ एक बार आप लोग को कि इसके अंदर क्या। तो इसके अंदर बस जैसे ना नॉर्मली ऐसे बैठने का होता है ना, तो जो वो बैठने का है, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, कुछ नज़र नहीं आ रहा है और कैमरा फोकस करना। जब मैंने कैमरा ऑफ था ना, तो यहाँ की तरफ से कोई पता नहीं कुछ ना भाग के गया था, आई डोंट नो क्या था। और ये मटके वटके देख रहे होंगे आप लोग को। तो अभी इस रोड से निकल के उसी रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे वो लेडीज़ अक्सर लोगों को दिखाई देती हैं, तो वहाँ चल रहे हैं। पता अब ना मैं उस शमशान घाट से निकल के बाहर आ चुका हूँ और ये दिख रहा होगा आप लोग को। एंड कई लोग बोले हैं कि आप उसके से बाहर क्यों आ गए। उससे बाहर आने का सीन ये था कि वहाँ पे ना ऐसा कुछ ना हुआ नहीं, मतलब लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ है या फिर कुछ आवाज़, बस एक जानवर था कुछ भाग के गया। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिखा, बस एक वही था। बाकी जो मेन स्टोरी यहाँ पे कि वो औरत आपको इस रोड पर दिखती है, तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं लाइट लेके पैदल इस रोड पर चलने वाला हूँ। तो चलते हैं इस रोड पर अकेले लाइट लेके इस रोड पर। और कई लोग बोलते हैं कि भाई कुत्ते साथ में लेके जाते होते हो क्या, पता नहीं कुत्ते ना गांव में अगर दूर भी कहीं भोंकते हैं ना तो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो अब क्या करते हैं, इस रोड पे चल रहे हैं अकेले, तो देखते हैं कि अगर कोई होता है तो हमसे बात करने की कोशिश करता है क्या नहीं करता है। देखो कोई आ जाए। एंड वन थिंग जो यहाँ पे ना मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, कोई वाइट सा कुछ, जैसे वाइट सा कुछ धुआं, रू कुछ भी कह सकते हो आप उसको, धुआं मैं इसलिए भाव धुंध ऐसा कुछ, पहले आप ही बोल लो। ये पता नहीं ये चिड़िया ना अक्सर लास्ट वीडियो में बहुत चिल्ला रही थी, और ये बस होगी जो चिड़िया है ना, वो जो पेड़ दिख रहा है सिर्फ इसकी आवाज़ ना वहीं से आती है, और कहीं से वहीं से बस और बस। तो चलते हैं इस रोड पे पूरा देखते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इस रोड पे चल रहे हैं, देखो लाइट लेके अकेले चल रहा हूँ मैं। एंड देखो कोई है, कोई मुझसे बातें करना चाहेगा तो सामने आ जा सकता है। देखो मैं भी अकेला हूँ, एंड आई नो आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, आप आगे आ सकती हो। क्या आप मुझसे बातें करना चाहोगी? अगर आपको कहने में कुछ दिखता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि जो चीज़ें हमें ना नहीं दिखती हैं वो कैमरे पे दिख जाती है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी लाइट चेंज करो। भाई ये लाइट ना आंखों पे इतनी असर नहीं करती, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, बाकी वो दूसरी वाली लाइट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं वही देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। एंड
और कई लोग को डाउट हो कि भाई मेरे साथ कई लोग होते हैं, तो मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा। ये देख लो आगे हर तरफ और इस तरफ, और कई लोग को लगेगा कि चलो मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। चलो भाई अब मैं फ्रंट कैमरे से ना एक बार क्या करता हूँ, हर तरफ आप लोग को दिखाता हूँ कि कहीं आप लोग को कोई साथ मेरे साथ दिख जाए तो मुझे बता देना। एंड अभी तक तो कोई आए नहीं है, अब क्या करते हैं, इस रोड पे थोड़ा सा मैं और चल रहा हूँ, ज़्यादा आगे जितना चला जाएगा उतना ही चलेंगे। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं ना चलते चलते ना काफ़ी आगे आ गया हूँ। ये फोकस करो भैया, यहाँ से कोई गया अभी था क्या? आप यहीं पे ही हो क्या? आप मुझे आपका नाम बता सकते हो क्या? आप कुछ भी बोल सकते हो क्या? आप अपना नाम बता सकते हो? अब मैं इस रोड पे काफ़ी आगे तक आ गया हूँ, और कहते हैं कि इसके वो वाइट वाइट कट्टा पड़ा हुआ है, वो कुछ कट्टा पड़ा हुआ, कुछ और नहीं है। तो ओहो कुत्ते ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे कुत्ते रोने, कुत्तों के रोने की आवाज़ से आ रही है। तो क्या आप सामने आना चाहती हो? मैं आपसे बातें करने आया हूँ। आपने कुछ मूवमेंट की थी इधर, क्या आप यहीं पे ही हो? देखो मैंने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, आपके साथ बहुत बुरा हुआ आई नो, तो क्या आप एक बार सामने आना चाहोगी? यार ये किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, ये किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो कैन में रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, कि ये आप रो रहे हो? आई नो आपका बहुत बुरा हुआ था, कि ये आप रो रहे हो? एक बार कैमरे के सामने आ सकते हो आप? मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, वो कोई रो रहा है और मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने आ सकते हो? बस ना एक ना मेरे अंदर वही है कि मैं किसी को रोता नहीं देख सकता। तो देखो मैं आपको यहाँ पर रुलाने नहीं आया था, अगर आप रो रहे हो तो मैं ऐसे चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि मैं किसी को रुलाने नहीं आया, या फिर मैं उनका दर्द क्या बोलूँ यार, अब बस थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आप सामने नहीं आए बट आपके रोने की आवाज़ आई थी, अगर आपको आप मुझे सुन रहे हो, आपको मुझे मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो यार मैं निकल रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल यहाँ से, थोड़ा सा ना इमोशनल टाइप हो गया मैं कुछ। तो यार मैं ना अभी मुझे ना आधा घंटा हो गया होगा, और ये लास्ट का जो टेक है ना मैं ले नहीं पा रहा हूँ था, थोड़ा सा पता नहीं क्यों यार इमोशनल सा हो गया मैं। पता नहीं यार लोग क्यों किसी की बेटी को मार देते हैं एंड ऐसा कर देते हैं, और मेरा मकसद नहीं था जो भी ये हैं उनको रुलाने का। तो यार थोड़ा सा ना अगर ऐसे रहा ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। एंड मेरी वजह से कोई रोए, सच बता रहा हूँ दिल में ना बड़ी तकलीफ होती है, वो भी किसी की यार बहन होगी, किसी की बेटी होगी, और दो लोग ऐसे काम कर जाते हैं ना यार कि दहेज के चक्कर में बेटियों को मार देते हैं। तो यार मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा यार, डूब के मर जाओ, मैं गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से यार, कि यार खुद नहीं कमा सकते तुम लोग, मैं दहेज में कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खुद कमा लो यार, मेहनत करो लाइफ में। बहू से जाके कि यार तू लाख रुपए लिया तवाइयों घर, 2 लाख लिया तवाइयों घर, ऐसे सीन था उसके लड़की का भी, तो बेचारी को मार दिया था। तो यार अब ना मैं वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर ऐसे रहना तो मैं वीडियो बनाने छोड़ दूँगा, क्योंकि यार मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो बेचारी आई डोंट नो कि उस क्यों मेरे सामने ऐसे उनकी रूह या फिर वो आवाज़ रोने लगी, मुझे नहीं पता वो क्यों रोने लगी, शायद
अपना भाई दिख गया होगा उनको मेरे में अंदर। यार भगवान बहन आपकी आत्मा को ना जल्दी शांति दे यार, आप ना भटको ऐसे यार। मैं सच कह रहा हूँ, इसका ना थर्ड पार्ट मैं जब लेके आऊँगा, जब मैं चाचा से सीख लूँगा कि कैसे किसी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, तो जब ही आएगा। वरना मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा यार, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। तो ये वीडियो और मैं इनकी आत्मा को ना एक बार आऊँगा और मैं सच में कह रहा हूँ सीख के आऊँगा और मैं इनकी आत्मा को ना मोक्ष दिलवाने की कोशिश करूँगा। ये जब भी मैं आऊँगा चाचा से सीख के आऊँगा, चाहे वीडियो चाहे मुझे ना इस पार्ट के लिए कितना भी मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाचा सीख के आना पड़े, तो मैं सीख के आऊँगा और इनकी आत्मा को मोक्ष जोर दिला के रखूँगा। और प्लीज़ अगर आप भाई हो किसी के, कुछ यार आपकी शादी होने वाली, तो प्लीज़ दहेज वहेज मत मांगना और कभी किसी की बेटी को दहेज के लिए मत मांगना, क्योंकि हमने भी अपनी बहन किसी घर में दी है और किसी की बहन लेके आनी है, तो वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, एंड किसी की माँ तो नहीं, मतलब किसी की होने वाली माँ है। और बहुत रिश्ते जुड़ते हैं लड़कियों के साथ यार, कहना आसान होता है कि लड़की है लड़की है, और आई डोंट नो मैंने 3 मिनट का भाषण दे दिया है ऐसा बोलते बोलते, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था वीडियो। अगर अब भी ना यहाँ से यूं अंदर की तरफ पैरों की जानों की आवाज़ आई है, तो यार मैं जो भी बोलूँ इनको थोड़ा सा अटैच हो गया हूँ मैं इनको, भाई समझ के ही आई होंगी मेरे सामने, या फिर मेरे सामने कोई बहन ही अपने भाई के सामने ऐसे रोने लगती है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसका थर्ड पार्ट मैं जब लेके आऊँगा, जब मैं सीख लूँगा कि कैसे किसी को मोक्ष की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, कुछ नहीं करना लाइक वाइक कुछ नहीं करना यार, बस वीडियो देख लिया करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।